वेलकम टू द चैनल बी एड करिकुलम बात करते हैं एजुकेशनल थिंकर्स में फिलासफी पेपर पेपर फर्स्ट में ये लास्ट वीडियो uh, है इस पर स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करेंगे आज तो इनसे लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है देखिएगा इनके लाइफ स्केच के बारे में स्वामी विवेकानंद वॉज बॉर्न इन एन इन एन अफ्लुएंट फैमिली इन कोलकाता कोलकाता में इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में हिज फादर नेम वाज विश्वनाथ दत्त इनके फादर का नाम था विश्वनाथ दत्त हर मदर नेम वाज वुवनेश्वरी देवी इनकी मदर का नाम था भुवनेश्वरी देवी ही हिज चाइल्डहुड नेम वाज नारेंद्राथ दत्त इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था बाय द टाइम ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कलकत्ता यूनिवर्सिटी इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था ही हैड अक्वायर्ड अ वास्ट नॉलेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स इनको कई तरह के सब्जेक्ट्स पे पूरी तरह की नॉलेज थी स्पेशली वेस्टर्न फिलोसफी एंड हिस्ट्री स्पेशली जो है वेस्टर्न फिलासफ़ी पर और हिस्ट्री पर हिस्स कंट्रीब्यूशन टू दवेकनिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया इज यूनिक इन इट्स काइंड एंड क्वालिटी ही डिफाइंस एजुकेशन एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन दैट इज ऑलरेडी इन मान स्वामी विवेकानंद ने बताया कि एजुकेशन जो है वह एक तरह का मैनिफेस्टेशन है जो परफेक्ट बनाता है एक पर्सन को जो उसके अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व है द ग्रेट द ग्रेस द ग्रेट रिलीजियस सेंट एंड सोशल रिफॉर्मर डाइड इन 1902। इनकी मृत्यु जो है 1902 में हो गई थी व्हेन ही वाज जस्ट 39। तब इनकी उम्र खाली 39 इयर्स के ही थे ये ही इज नो मोर बट ही विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर ऑन दिस अर्थ वह अब नहीं है फिर भी वह हमारी यादों में सम्मिलित हैं विवेकानंद एजुकेशनल फ़िलासफ़ी इनकी एजुकेशनल फिलोसफी के बारे में बात करते हैं तो विवेकानंद फिलासफ़ी कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स गिवन बिलो इनकी फ़िलोसफी को हम इन पॉइंट्स के थ्रू समझ सकते हैं तो नॉलेज रिसाइड्स विद इन इंडिविजुअल नॉलेज जो है वो इनहेरेंट होती है वो जन्मजात होती है हर एक इंडिविजुअल में हर एक व्यक्ति में चाइल्ड फर्दर्स इट्स ओन डेवलपमेंट स्वामी विवेकानंद से दैट इट इज रॉन्ग टू थिंक दैट वी प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड यह जो है कहना गलत है कि बच्चे की नॉलेज को हम प्रमोट करते हैं उनका मानना था कि चाइल्ड में पहले से ही डेवलपमेंट होता रहता है एजुकेशनल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर एंड नीड ऑफ चाइल्ड इन्होंने बल दिया कि जो एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए बच्चे को वो अकॉर्डिंग टू नेचर होनी चाहिए और बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए एबिलिटी ऑफ कंसेंट्रेशन इज़ एसेंस ऑफ एजुकेशन फॉर द देशन ऑफ नॉलेज कंसेंट्रेशन और अटेंशन इज वेरी नेसेसरी दिन बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन की तो स्वामी विवेकानंद ने कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के बारे में क्या बताया है स्वामी जी सेड वी वॉन्ट द एजुके दैट एजुकेशन बाई विच कैरेक्टर इज़ फॉर्म हम ऐसी एजुकेशन चाहते हैं ऐसी शिक्षा चाहते हैं जो हमारे कैरेक्टर को फॉर्म करे हमारी of mind is हमारे स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज हमारे माइंड की स्ट्रेंथ को बढ़ावा दे इंटलेक्ट इज़ एक्सपेंड हमारे इंटलेक्चुअल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे एंड बाई विच वन कैन वन कैन स्टैंड ऑन वन स्पीड वंस ऑन फीड जो अपने पैरों पे खड़ा हो सके व्यक्ति इसके द्वारा एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो मेजर एम्स जो हैं इसमें आते हैं क्रिएशन ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ सेल्फ रियलाइजेशन इनका जो है कॉन्सेप्ट था कि हमें जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्रिएट करना चाहिए बच्चे में उसके सेल सेल्फ़ रियलाइजेशन करना चाहिए इन्होंने अपने वर्ड्स में बताया है फेथ इन आज अनफेथ इन गॉड अगर हमारा खुद पर बिलीव है तो हमें जो है भगवान पे भी बिलीव है दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ ग्रेटनेस यही जो है महानता का सीक्रेट है देन है फॉर्मेशन ऑफ करेक्टर कैरेक्टर को फाउंड करना उसको जो है उसको फॉर्मेशन करना देन है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना सर्विस ऑफ माइंड माइंड के सर्विस से रिलेट किया है इन्होंने बताया है इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड गॉड सर्व मैन अगर तुम भगवान को ढूंढना चाहते हो तो लोगों की सेवा करो व्यक्तियों की सेवा करो प्रमोट प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड भाईचारे की बात की है इन्होंने कि हमें एक दूसरे से कनेक्ट होकर रहना चाहिए एक दूसरे की हेल्प करनी की चाहिए द डिफरेंस इज नॉट इन द सोल बट इन द मैनिफेस्टेशन हमारी सोल में किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं है तीन है एम्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट मेंटल और फिजिकल दोनों ही डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए एम करना चाहिए एंड मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए फिर बात करते हैं टीचर और स्टूडेंट के बारे में according to Swami Vivekananda, a person with an attitude of renunciation influences ch children through his ideal example, love his students, sympathize at their difficulties, teaching according to the needs, sympathize at their difficulties, teaching according to the needs, abilities, and interests of them. इसमें उन्होंने यही बताया है कि टीचर को चाहिए कि बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग उसकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उसे टीचर टीचिंग प्रोवाइड करे तभी वह जो है टीचर एक अच्छा टीचर माना जाता है देन करिकुलम की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद द प्राइम एम ऑफ एजुकेशन इज़ स्परिचुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उन्होंने जो है स्परिचुअल ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक प्राइम एम बताया है एजुकेशन का बट दिस डज़ नॉट मीन दैट ही डिड नाट एडवोकेट मटेरियल प्रॉस्पेरिटी एंड द फिज़िकल वेलबींग लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया है इसका मतलब ये नहीं है कि जो है मटेरियल प्रॉस्पेरिटी और फिजिकल वेल वेलबींग किसी भी तरह का ध्यान ही ना दिया जाए दिन बात करते हैं मैथड्स ऑफ टीचिंग की तो इन्होंने जो है स्वामी विवेकानंद ने स्पिरिचुअल मेथड ऑफ टीचिंग पे बल दिया है उन्होंने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को जो है बढ़ाया है देन डिस्कशन विद द टीचर वर कंसीडर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अ मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग बाय हिम उन्होंने डिस्कशन मेथड को इम्पॉर्टेंस दी है मेडिटेशन एंड कंसेंट्रेशन वर आल्सो कंसिडर इम्पॉर्टेंट बाय हिम एज थ्रू दम डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पावर ऑफ द चाइल्ड इन्होंने मेडिटेशन और कंसंट्रेशन को भी मूल्य माना है क्योंकि वह जो है चाइल्ड की मेंटल पावर्स को इंक्रीज करता है उसे डेवलप करता है इसके बाद बात करते हैं डिसिप्लिन की तो डिसिप्लिन हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू मॉडिफाई हिज और हर बिहेवियर परमानेंटली डिसिप्लिन ही वह है जिसके थ्रू जो है बच्चे अपने बिहेवियर को परमानेंटली चेंज कर सकते हैं स्वामी विवेकानंद ऑलवेज इम्फेसाइज़ ऑन द इनर एंड सेल्फ डिसिप्लिन नॉट एक्सटर्नल डिसिप्लिन इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने इम्पॉर्टेंस दी है कि हमें सेल्फ़ डिसिप्लिन रखना चाहिए इनर डिसिप्लिन रखना चाहिए ना कि हमें कोई बार बार सिखाए या एक्सटर्नल डिसिप्लिन हमारे ऊपर कराए इसके बाद बात करते हैं बेसिस ऑफ मॉडर्न एजुकेशन की तो मॉडर्न एजुकेशन के कुछ बेसिस हैं जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन एजुकेशन मॉडर्न एजुकेशन में जो है योगा को इम्पॉर्टेंस दी गई है ट्रांसमिशन ऑफ एजुकेशन एजुके नॉलेज तो नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो है बेसिस बनाया गया है लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़ हमें जो लर्निंग प्रोवाइड करनी चाहिए आज के टाइम पे वो एक्टिविटीज़ के थ्रू प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि बच्चा अच्छे से अच्छा सीख सके आइडियल ऑफ वोमेन हुड इन इंडिया उन्होंने बताया है कि विवेकानंद सजेस्टेड दैट द वुमेन शुड बी मेड एम्बिशियस थ्रू अ गुड सिस्टम ऑफ एजुकेशन तो जो है वुमेन को सपोर्ट किया है इन्होंने देन बात करते हैं रिलावेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद आइडियाज़ इन मॉडर्न एजुकेशन स्वामी विवेकानंद के आइडियाज़ का क्या रिलावेंस है आज के टाइम पे मॉडर्न एजुकेशन में तो इसके इसमें इससे जो है लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं इसको ध्यान से पढ़िएगा वैल्यू एजुकेशन में इनके जो है जो, आइडियाज को लिया गया है हेयर एजुकेशन इज कंसीव्ड इन द ब्रॉड सेंस इसमें जो एजुकेशन होती है वह बड़े स्तर पर ली जाती है एवरी थिंग इन द सोसाइटी प्लेज एन एजुकेशनल रोल जो भी सोसाइटी में है वह एक एजुकेशनल रोल प्ले करता है वैल्यू एजुकेशन में देन है पीस एजुकेशन तो कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन फॉर पीस मस्ट बी एम टू रिफॉर्म ह्यूमनिटी पीस एजुकेशन पे बल दिया है इसका जो है कंट्रीब्यूशन देखा जाता है सो एज़ टू परमिट द इनर डेवलपमेंट ऑफ़ द ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड द डेवलपमेंट डेवलप अ मोर कॉन्सियस विजन ऑफ द मिशन ऑफ मैन काइंड एंड द प्रजेंट कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ एज वॉज़ सो डिफ़िकल्टी अरेव्ड बाय द स्वामी विवेकानंद एज वेल इन्वायरमेंटल एजुकेशन की बात करते हैं द एजुकेशन इज व्यूड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन को जो है इन्वामेंट का एक इंटरनल पार्ट ही समझा जाता है इट इज़ टेकन टू बी सेंटर्ड ऑन द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड कैन बी एन इंटर डिसिप्लिनरी करेक्टर देन बात करते हैं सिटीजनशिप एजुकेशन की द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप एजुकेशन शुड टारगेट टू मोल द फ्यूचर सिटीजन सिटीजनशिप uh, एजुकेशन का एम ही यह होता है कि जो फ्यूचर में आने वाले सिटीजन्स हैं हम उनके जो है बिहेवियर को उनके उनके लिए एजुकेशन को मोल्ड करें जो है ताकि वो अच्छे से अच्छे जो है नागरिक बन सकें इसके बाद बात करते हैं सॉक्रेटिस की तो ये सॉक्रेटिस की पिक्चर है पिक है इसमें बात करते हैं इनके लाइफ स्केच के बारे में तो सॉक्रेटिस वॉज बॉर्न इन 469 BC, his father Sophronicus was an Athenian stone man's son and sculptor. His mother's name was Phenartic. Phenart. His way of living is still unclear. टिल हिज डेथ इनका जो रहने का तरीका था वह अभी तक वह इनके मृत्यु तक भी क्लियर नहीं था कंसीडर्ड डिस्कसिंग डिस्कॉसफी एज द ओनली इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन आन आर्ट देन बात करते हैं सम ऑफ द प्लाटोज डायलॉग्स मेंशन दैट सोक्रेटिस अटेंडेड मिलिट्री सर्विसेस प्लाटो के कुछ डायलॉग्स में भी ये पाया जाता है कि सोकर्रेटीज ने जो है मिलिट्री सर्विसेज को ज्वाइन किया था सोक्रेटिस फिलोसफी की बात करते हैं तो सोक्रेटिस कंट्रीब्यूशन ऑफ टू फिलोसफी वर आ न्यू मैथड ऑफ अप्रोचिंग नॉलेज आ कंसेप्शन ऑफ सोल एज सीट ऑफ बोथ नॉर्मल वीकिंग एंड कॉन्शियसनेस एंड ऑफ मोरल कैरेक्टर एंड आ सेंस ऑफ यूनिवर्स एपेजिवली माइंड ऑर्डर्ड तो ये जो है सोक्रेटिस की फिलासफी के बारे में है उन्होंने एक न्यू मेथड को चलाया जो, जो जो है नॉलेज को अप्रोच करता था अ कंसेप्शन ऑफ सोल सोल के लिए जो है कंसेप्शन देता था ये इनकी फिलॉसफी थी देन बात करते हैं इन्होंने थ्री आइडियाज दिए हैं नॉलेज द गोल ऑफ लाइफ इन्होंने जो है ज्ञान को जीवन का जो है उद्देश्य माना है देन नॉलेज फॉर विल अपनी इच्छा से सीखना वर्च्यू कैन बी टॉट वर्च्यू कैन बी टॉट बिकॉज द वाज़ नॉलेज विच इज आ सिस्टम एंड आर साइंस तो वर्च्यू को ही उन्होंने बताया है कि वह एक सिस्टम भी है और वह एक साइंस भी है इंडिविजिब इंडिविजिबिलिटी ऑफ द वर्च्यू इट वॉज द वर्च्यू ऑफ द वर्च्यूज उन्होंने इंडिविजबिलिटी ऑफ द वर्च्यूज को वर्च्यू ऑफ द वर्च्यू का नाम दिया है देन एस्थेटिक सेंस तो सॉक्रटिज लव ब्यूटी एंड द ब्यूटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी सॉक्रेटिस को ब्यूटी से सुंदरता से और ह्यूमन ह्यूमन बॉडी की ब्यूटी से जो है प्रेम था सोक्रटिज एजुकेशनल थॉट्स के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने बताया है द एजुकेशनल इफेक्ट इज दैट नॉलेज अलाउज अस सी द पॉजिटिव एंड निगेटिव डायमेंशन ऑफ द एनी इश्यूज़ तो एजुकेशनल नॉलेज में इन्होंने बताया है कि इसके थ्रू हम किसी डायमेंशन के डायमेंशन के पॉजिटिव और निगेटिव डायमेंशंस को इश्यूज़ को जानते हैं सोक्रेटिस इज इंटेलिजेंट इन इनोवेटिंग वॉट इज नाउ यूजली नोन एज सोक्रेटिक मैथड सोक्रेटिस ने इन्वेंशन किया जिसे आज जो है सोक्रेटिक मेथड के नाम से जाना जाता है इसे डिस्कशन मेथड भी कहते हैं और क्वेश्चन आंसर मेथड भी कहते हैं सोक्रटिस लाइफ इंस्पायर दोज हु रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेशन इन द लर्निंग फ्रॉम ऑल सोर्सेज चूजिंग द सुटेबल वन एंड कीपिंग अवे द अनसुटेबल नॉलेज फ्रॉम द बुक्स सोक्रेटिस ने बताया है कि वो सारे लर्निंग के सोर्सेज इफ़ेक्ट करते हैं जो सुटेबल जो है सुटेबल जो है हमको एक ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं चूज करने के लिए और अनसुटेबल नॉलेज को अवॉइड कराते हैं देन बात करते हैं पावलो फेरर के बारे में तो इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हैं तो देखते हैं इनकी लाइफ स्केच के बारे में रेगुल पावलो रेगुलवरर पॉपुलरली नोन एज द पावलो फेरर इज इज अ ब्राजीलियन एजुकेटर एंड इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज लिटरेसी मैथड बेस्ड ऑन द कंसाइज कंसेंटाइजेशन एंड डायलॉग इनका जो मैथड्स था लिटरेसी मेथड मैथड वह पूरी तरह से बेस्ड था कंसाइटाइजेशन एंड डायलॉग्स पे इन्हें ही हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड इन्हें जो है इस नाम से भी जाना जाता है द ग्रेटेस्ट लिविंग एजुकेटर आ मास्टर एंड आ टीचर इन्हें जो है ग्रेटेस्ट लिविंग एजुकेटर के नाम से आ मास्टर के नाम से और आ टीचर के नाम से भी जाना जाता है द ब्राज़ीलियन एजुकेटर पावलो फेरस is one among the most of the influential educational thinker of the late 20th century. he was died from heart failure in the salo paulo, brazil. brazil, when with his second May ninety 1997, mein. after a brief career as a lawyer, he taught portuguese in the secondary schools from the 1941 फोटी वन टू नाइनटीन फोर्टी सेवन इन नाइनटीन सिक्सटी नाइन ही वॉज अ विजिटिंग विजिटिंग इस्कालर एट हॉवर्ड यूनिवर्सिटी इन्हें जो है 1969 में ये विजिटिंग स्कॉलर थे हॉवर्ड यूनिवर्सिटी के एंड देन मूव टू द जिनेवा फिर ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में गया है वेयर ही अज्यूम्ड द रोल ऑफ द स्पेशल एजुकेशनल एडवाइजर टू द वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ द चर्चेज जिसमें इन्होंने वर्ल्ड कांग्रेस चर्चेज में स्पेशल एजुकेशनल एडवाइजर का काम किया फाइनली इन नाइनटीन एटी एट ही बिकेम द मिनिस्टर ऑफ द एजुकेशन फॉर साओ पालो द पोजीशन इनेबल्ड हिम टू इंस्टीट्यूट एजुकेशनल रिफॉर्म थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द ब्राज़ील लिटरेसी वर्क ऑफ द पाओलो फेरर का क्या लिटरेसी वर्क है तो एजुकेशन एज प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम पेडगोजी ऑफ अप्रोच एजुकेशन फॉर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस ऑफ होप पेडगोजी ऑफ फ्रीडम एंड द पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ फेरर की बात करते हैं तो फेरर फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज नॉट अ सिंपल मैथड कोई सिंपल मैथड नहीं थी बट रदर एन ऑर्गेनिक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एक जो है ऑर्गेनिक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस थी द डोमिनेशन ऑफ सम बाय अदर मस्ट बी ओवरकम इन द इन हिज व्यू सो दैट द ह्यूमनाइजेशन ऑफ ऑल कैन बी टेक प्लेस फेर क्रिटिसाइज्ड व्यू दैट द इम रैदर दैन द ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंसिसटेड द रिवेल्युएशनरी चेंज टेक्स प्लेस प्रिसाइजली थ्रू द कंसिस्टेंसी ऑफ अ क्रिटिकल कमिटमेंट इन द बोथ वर्ल्ड एंड डीड कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो पा फेरर्स मोस्ट वेल लोन वर्क इज पैडागॉजी ऑफ अप्रेज पैडागॉजी ऑफ अप्रेज इनका जो था नाइनटीन सेवेंटी में वेल well नोन हुआ Ferrer believed that the educational system played a central role in the maintaining operations, and thus it had to be reformed, reformed in order for things to change for the oppressed. According to Ferrer, Ferrer ke according, no one can teach anyone else. कोई किसी और को पढ़ा नहीं सकता है नो वन अर्न अलोन कोई अकेले जो है अर्न नहीं कर सकता है कमा नहीं सकता है पीपल लर्न टुगेदर पीपल एक दूसरे से ही सीखते हैं एक्टिंग इन एंड ऑन देयर वर्ल्ड जो एक्ट uh, इन और या या तो इस संसार में या एक्ट करके तो एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं फेरस के अकॉर्डिंग एम एजुकेशन इज़ आ कल्चरल टूल फॉर लिब्रेशन लिबरेशन फ्रॉम ऑपरेश ऑपरेशंस एजुकेशन इज ऑलवेज आ पॉलिटिकल एक्ट एजुकेशन हमेशा जो है एक पॉलिटिकल एक्ट होता है एजुकेशन इज अम्यम्य बिटवीन द पार्टीसिपेंट इन आ डायलॉग कैरेक्टराइज बाई आ रिफ्लैक्सिव रेसिप्रोकल एंड शोशली रिलावेंट एक्सचेंज नॉलेज इज नॉट आ सेट ऑफ कमोडिटी इनके हिसाब से नॉलेज किसी भी तरह का सेट ऑफ कमोडिटी नहीं था किसी भी कमोडिटी के लिए जो डिसाइड कर दिया गया हो लर्निंग बिगेंस विद एक्शन लर्निंग जो है अधिकम जो है वो एक्शन के साथ ही कार्य करता है एजुकेशन इज़ आ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियालिटी एजुकेशन के थ्रू हम किसी रियलिटी को समझते हैं क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं एजुकेशनल प्रैक्टिस इज नॉट एन एक्सटेंशन बट आ कम्युनिकेशन एजुकेशनल प्रैक्टिस जो है वो किसी तरह का एक्सटेंशन नहीं है बल्कि एक कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस है देन बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन की तो पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स हैं जो है देन है पैडागॉजिक प्रिंसिपल्स उसके बाद बात करते हैं टीचिंग मेथड एंड टूल्स की तो फेरर ने जो है डायलॉग मेथड को इम्पोर्टेंस दी है इन्होंने डायलॉग मेथड को अपनाया है फेरर कॉल्ड दीज प्री प्रिस्क्राइब प्लान्स एंड कोर्स बुक एज द प्राइमर्स उन्होंने प्री प्लान प्री प्रिस्क्राइब प्लान्स और कोर्स बुक को जो है प्राइमर्स के नाम से जो है प्राइमर्स का नाम दिया है रोल ऑफ टीचर्स एंड लर्निंग सिचुएशन की बात करते हैं तो इन्होंने बताया है ईगा लिटेरियन टीचर टीचर स्टूडेंट रिलेशंस को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज लर्निंग सर्कल्स देन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेरस पैटागॉजी की तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी फेरस की पैटागॉजी की एजुकेशन फॉर लिबरेशन इन्होंने बताया कि एजुकेशन जो है पेंडोगाजी इज़ एन एजुकेशनल प्लान टू लिबरेट दोज हु आर ऑपरेस्ड उन इन्होंने जो है लिबरेट किया उन सबको जो ऑपरेस्ड थे एजुकेशन फॉर कंसाइट कंसाइटाइजेशन कंसाइटाइजेशन पे इन्होंने बल दिया क्रिटिकल अवेयरनेस की बात की इन्होंने देन है प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन इज एन अल्टरनेटिव मैथड ऑफ एजुकेशन सजेस्टेड बाई फेर इंस्टीट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑथोरिटेरियन मैथड विच इज आइकॉनिकली कॉल्ड बैंकिंग एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल जस्टिस लर्निंग इन्होंने जो है ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल सोशल जस्टिस लर्निंग की बात की है इसके बाद है क्रिटिकल पेटोलॉजी की बात करते हैं बात करते हैं फेरर्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन पालो फेरर का जो है एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है तो फेरर्स व्यूड एजुकेशन एज डी पॉलिटिकल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट टूवर्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी हिज वर्क एज exercised considerable influence among progressive educators all over the world his pedagogy starts from a deep love of love for the humility before poor and oppressed people and a respect for their common sense ferris made education a बिटवीन द पार्टिसिपेंट ऑफ द डायलॉग कैरेक्टराइज बाई द रिफ्लेक्सिव रेसिप्रोकल एंड सोशली रिलेवेंट एक्सचेंज फेरस पेडोगॉजी अलाउड इंटेलैक्चुअल टू मेक यूजफुल कंट्रीब्यूशन टू द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड पीपल्स स्ट्रगल्स फॉर द सोशल चेंज इसके बाद बात करते हैं कंपेरिजन बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी की तो इंडियन फ़िलासफी और वेस्टर्न फिलासफ़ी में क्या अंतर है बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं बेसिस पे बात करते हैं तो इंडियन फिलोसफी फॉलोज द पैरलर हॉरिजेंटल डेवलपमेंट वेरियस स्कूल्स ऑफ फिलासफ़ी हैव डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर एंड एंड रिच इन इट्स ओन रिस्पेक्ट वेस्टर्न फिलोसफी की बात करते हैं तो वेस्टर्न फिलासफी फ़ोलोज आप वर्टिकल डेवलपमेंट इंडियन फिलासफ़ी जो है वो हॉरिजेंटल डेवलपमेंट को बेसिस मानता है और वेस्टर्न फिलासफ़ी जो है वो वर्टिकल डेवलपमेंट को बेस मानता है दे एम्स की बात करते हैं तो द एम ऑफ इंडियन फिलासफ़ी इज लिब्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंडिविजुअल का लिब्रेशन करना देन वेस्टर्न फिलोसफी का जो एम होता है वो इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी को डेवलप करना होता है गोल्स की बात करते हैं तो इंडियन फिलॉसफी का गोल होता है मोक्ष को प्राप्त करना और वेस्टर्न फिलॉसफी का गोल होता है टू डिस्कवर ग्राउंड ऑफ द साइंटिफिक ट्रूथ साइंटिफिक ट्रूथ के ग्राउंड को डिस्कवर करना देन डिपेंडेंसी देखते हैं तो इंडियन फिलॉसफी जो है इनर डिपेंडेंट होती है और वेस्टर्न फिलोसफी जो है वो आउटर डिपेंडेंट होती है रोल ऑफ ह्यूमन बींग की बात करते हैं अ ह्यूमन बींग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ़ द यूनिवर्स एंड द सोसाइटी अ ह्यूमन हैज एन इंडिविजुअलिस्टिक नेचर तो ये जो है वेस्टर्न फिलोसफी की बात हुई इसी के बेसिस पे डिफरेंस आगे भी किए गए हैं तो ये डिफरेंस है थैंक यू एवरीवन वन यहाँ से आपकी सेकेंड यूनिट कंप्लीट होती है फ़िलोसफ़ी में